हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्टडीज को कैसे यूज किया जाता है, कैसे ये मार्केट के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, इस स्टडीज के अंदर हमारा मार्केट व्यू रहता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे, और इस स्टडीज के अंदर हम लोग आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन हम लोग सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों साइड में। और जहां पे प्रीमियम लगभग सेम रहे तो आपको प्रीमियम को भी ध्यान देना है, सेम प्रीमियम रहे, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन रहना चाहिए कॉल और पुट दोनों साइड में, और मार्केट हमारा रेंज बाउंड रहना चाहिए, यानी कि कॉल और पुट जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करके रखोगे उस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करना चाहिए ऊपर और नीचे साइड में भी। तो वहां पर अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, साइडवेज रहता है, तो इस केस में आप लोगों को कॉल और पुट दोनों ही जो ऑप्शन आपने सेल करके रखा हुआ है वहां पे आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर यह है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस से है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस पर फोकस करना है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब लगभग यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है और आगे भी मार्केट साइडवेज रहेगा। सो इसी व्यू के साथ हम लोग यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज को यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ओटीएम ऑप्शंस को सेल करते हैं कॉल और पुट दोनों ही साइड में। तो ये चीज मैं यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ, तो मैं मोबाइल फोन के अंदर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लूंगा। यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन यहाँ से ओपन कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। अभी मैं यहाँ पे कॉल और पुट दोनों साइड में अपना पोजिशन बनाऊंगा, शॉर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में 22,200 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे इसका प्रीमियम लगभग 94-95 रुपए के आसपास चल रहा है। सिंपली अब यहाँ पे ऐड टू बास्केट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा बास्केट, जिससे दोनों ऑर्डर को एक साथ हम लोग प्लेस कर पाए। यहाँ पे लॉट साइज डाल देना है, मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर लेना है, शॉर्ट कर रहे हैं तो मतलब सेल करना है। इसके बाद कॉल साइड में ही रहने दूंगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए 58,000 रुपए दिखाई दे रहा है। अब इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अभी सिंपली आपको ऐड टू बास्केट पर क्लिक कर देना है। ये आपके बास्केट के अंदर ऐड हो चुका है, नीचे में भी देख सकते हो। अब इसी तरह से आपको पुट साइड का भी देखना है। 21,900 का पुट ऑप्शंस में सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसका प्रीमियम लगभग 94 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लूंगा। एक लॉट से ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे एक लॉट डाल दूंगा, मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर लूंगा, सेल कर रहा हूं तो सेल पर क्लिक कर दूंगा एंड पुट रहने दूंगा। और यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हो 58,000 रुपए के आसपास दिख रहा है। अब सिंपली एड टू बास्केट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे बास्केट क्रिएट कर लोगे, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्रीमियम है कॉल और पुट साइड का दोनों लगभग सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी आप प्रीमियम मैच कर सकते हो एंड स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो कौन सा आपने सेलेक्ट करा हुआ है, मार्केट प्राइस है या नहीं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना दिखाई दे रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल और पुट दोनों साइड में सेल कर रहे हैं इसलिए कम दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे सेव बास्केट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे बास्केट का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। अभी मैं यहाँ पे अपने याद के लिए क्या करूंगा, शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज को यहाँ पे बना रहा हूं तो उसी नाम को यहाँ पे इंटर कर लूंगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल नाम डालते ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, जिससे हमारा ये जो स्ट्रेटजी है वो क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे सिंपली आपको ऑर्डर को प्लेस करना है। तो उससे पहले आप यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट देख लीजिए, सारी चीजें सही है तो आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर को कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म बास्केट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पीएनएल भी नीचे की तरफ शो करने लग गया है, एग्जीक्यूट हो चुका है, किस एवरेज प्राइस पे हुआ है वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बैक करेंगे, ऑर्डर वाले टैब के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे अगर आपको पोजीशन देखना है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाले टैब के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पोजीशन वाले टैब में आपका पोजीशन दिखाई देगा कि कितना पीएनएल चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लगभग यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, मार्केट अगर एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो मार्केट साइडवेज होना चाहिए, साइडवेज होगा तो टाइम डीके की वजह से आपको कॉल और पुट दोनों ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट होगा। अभी फिलहाल पुट ऑप्शंस के अंदर लॉस दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी वही आसपास में चल रहा है, तो इतना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा ही। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छे से पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ मूव किया, किसके अंदर प्रॉफिट किसके अंदर लॉस हो रहा है, तो वो आगे चल करके आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अभी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, सो इस वजह से पुट ऑप्शंस के अंदर हम लोगों को लॉसेस दिखाई दे रहा है और कॉल ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरते जाएगा कंटिन्यूअस तो कॉल ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट होगा और पुट के अंदर लॉस। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कंटिन्यूअस तो कॉल ऑप्शंस के अंदर लॉस होगा और पुट ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होता है तो कॉल और पुट दोनों के अंदर ही हम लोगों को प्रॉफिट होगा टाइम डीके की वजह से।
आई होप आप लोगों को टाइम डिके के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो थीटा डिके या फिर टाइम डिके के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल एक वीडियो में बताया हुआ है कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। अभी आप फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज होना चाहिए, हमारा व्यू है। तो जो भी हमने यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम मैं 3 मिनट का है, 1 मिनट का कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर आपको चार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी चार्ट 1-1 मिनट के अंदर जो कैंडल बन रहे हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे। हमने यहाँ ऊपर में ही एंट्री किया हुआ है तो इस वजह से पुट ऑप्शंस के अंदर थोड़ा बहुत लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखना होगा मार्केट अगर फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये पीएनएल है वो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों साइड में हम लोगों को एक साइड में प्रॉफिट एक साइड में लॉस दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं क्योंकि मार्केट रैपिड मूवमेंट कर रहा है डाउन साइड में, जैसा कि आप अभी देख सकते हो। इसी वजह से पुट के अंदर लॉस दिखाई दे रहा है और ये पुट के अंदर लॉस अनलिमिटेड हो सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ गिरता जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो काफी ज्यादा रिस्की है, इस स्ट्रेटजी को आपको तभी यूज करना है जब आप कंफर्म हो, जब आप श्योर हो कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। अगर मार्केट वन डायरेक्शनल मूव करता है तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बताया हुआ था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं एंड प्रॉफिट के चांसेस सिर्फ उतने ही है जितने आपने यहाँ पे प्रीमियम सेल करके रखा हुआ है। जैसे 93-94 रुपए का प्रीमियम हमने सेल किया हुआ है तो उतना ही हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 350-400 रुपए के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पुट ऑप्शन देख सकते हो काफी ज्यादा मार्केट गिर रहा है और पुट के अंदर लॉस बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है। अगर हमने वहां पे बाय करके रखा हुआ था तो पुट के अंदर हम लोगों को प्रॉफिट होता है, लेकिन हमने शॉर्ट करा हुआ है एंड कॉल के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो लगभग थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब कम हो रहा है एज कम्पेयर टू पुट। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मार्केट किधर मूव करता है, क्या होता है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा एंड आगे का रिजल्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो दोस्तों लगभग फाइनली 1 से 1.5 घंटे तक हमने वेट किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पुट ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट आ चुका है एंड कॉल ऑप्शंस के अंदर लगभग हम लोग ब्रेक इवन पे हैं और मार्केट लगभग वहीं पे आ चुका है जहाँ पे हमने बाय किया हुआ था। प्रॉफिट के रूप में अभी लगभग 150-200 रुपए के आसपास में ही दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा टाइम डिके की वजह से है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे साइड में कहीं पे भी मूव नहीं किया हुआ है, जहाँ पे हमने बाय किया हुआ था ऑलमोस्ट वहीं आसपास में आ चुका है। ऊपर की साइड में अगर आप लेवल देखेंगे तो 22,200 का लेवल और नीचे की साइड में 21,900 का लेवल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर इसी लेवल के बीच में मार्केट क्लोज हो जाता है एक्सपायरी डेट तक, तो इस केस में अगर हम लोग इस पोजीशन को होल्ड करके ले जाते हैं ओवरनाइट और 16 मई तक रखते हैं तो यहाँ पे सारा का सारा प्रीमियम हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पोजिशन को होल्ड नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे अपने पोजिशन को एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर टाइम डीके का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस लेवल पे हमने बाय किया हुआ था लगभग घूम फिर करके मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना था कि ये किस तरह से काम करता है, टाइम डीके क्या होता है और ये कैसे आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देता है शॉर्ट करने में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे दोनों पोजिशन को एक साथ एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एग्जिट बटन मिल जाता है, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है, अगर इस तरह का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, सारे पोजीशन सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है और सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं। टोटल बाय वैल्यू सेल वैल्यू ऊपर में देख सकते हो, पूरा हिस्ट्री आपको दिखाई दे देगा कि किस प्राइस पे हमने बाय किया, किस प्राइस पे हमने सेल किया। पहले हमने सेल किया हुआ था फिर हमने बाय किया हुआ है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैक करेंगे पोजीशन वाले टैब के अंदर आप देख सकते हो 150 रुपए का हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा, किस ऑप्शंस के अंदर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है वो आप यहाँ पर एक एक के अंदर देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है। अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको बेस्ट ब्रोकर का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।